राजस्थान में बीजेपी की वो दुर्गति होने वाली है, वो दुर्गति होने वाली थी। आप देखिए, इनका अहंकार बोल रहा था, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होकर के सारे उनके पास आईबी की रिपोर्ट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि 25 में से 25 जीतेंगे, और हम ये कह रहे थे कि हम बीजेपी से चाहे एक जीते लेकिन ज्यादा जीतेंगे, और वो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी से हम लोग ज्यादा जीतेंगे, कांग्रेस की 10 11 12 सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन की 2-3 सीटें, और एक हमने बांसवाड़ा में समर्थन दिया था, वहां पर भी राजकुमार रोत जो बीटीपी का उम्मीदवार है हमारा लोकसभा का, वो जीतेगा। तो बीजेपी मैं समझता हूं कि ये 8-9 के अंदर निपट करके रह जाएगी, और ये इनका अहंकार, इनकी तानाशाही, इनका जो जिस प्रकार का रवैया जनता के प्रति रहा है, वो इनको सबक सिखा रहा है। देखिए, खड़गे साहब, राहुल जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहले से ही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और वो सच साबित होगा। शेखावट ही नहीं, आप देखिए गंगानगर से चलिए आप, पंजाब में बीजेपी साफ है, फिर बीजेपी के बाद पंजाब के बाद में राजस्थान आता है, तो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, नागौर, आपका भरतपुर, करौली धौलपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, ये इनके अलावा भी ये सारी की सारी जीतें जीत रही है, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, एंड तक, उधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। तो ये बीजेपी का जो भ्रम है, बीजेपी का जो अहम है, वो टूटा है, और राजस्थान की जनता को, 36 कौमों को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लख लख बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता ने जनता के सामने जो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र जो दिया था उसको सामने रखा, और पार्टी आला कमान ने जो न्याय पत्र दिया, जो घोषणा पत्र दिया, उसको लोगों को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरातल पे समझाने का काम किया, और इसी का परिणाम है। और राहुल जी की, खड़गे साहब की और प्रियंका जी की यहाँ पर जो रैलियां हुई, उससे ये माहौल बना कांग्रेस का, और कांग्रेस ने एकजुट होकर के सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई और तमाम आदरणीय मतदाताओं को धन्यवाद। और परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। आपके डांसिंग पटकारों ने मौर्या बुला दिया डोडा से, आपके डांसिंग पटकारों ने मौर्या बुला दिया। मैं भाई पहली के हो, मैं को कम से कम 12-13 मौर्या बोलेगा, तो मेरी बात से एक आधो ज्यादा ही मौर्य बोल सके। ये जनता का जो मूड था, ये बीजेपी ने अहंकार में, आप बताओ, मोदी जी को भगवान ही बना दिया। मतलब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अवतार हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो अब इससे ज्यादा और जनता का अपमान क्या हो सकता था। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, और राजस्थान के तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा, जो सही था उसको सही दिखाया, तो जनता की पूरी चीज समझ में आई, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अब बीजेपी का एक इस्तीफा होगा, पर्ची बदलेगी, ये तो अब आने वाला भविष्य के गर्भ में देखते हैं क्या होता है।